हेलो दोस्तों, आज हम हिरवाणी मोटी हिरवाणी के अंदर सामने जी हिरवाणी का बोर्ड हुआ है हम हिरवाणी गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और सिंह विस्तार के अंदर सांप आया हुआ है, हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जहां मोटी हिरवाणी के अंदर सांप पकड़ने का है वहां घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। वह जो तबेला है वह गाय बांधे लिए है अंदर, उसके कमांड के अंदर स्वामी जो चार निकल रहे हैं वहां अंदर के भाग में सांप है और उनको डर लग रही थी कि अंदर सांप है, तो गाय वैसे भी दूर ले जाने से डर रहे थे, इसलिए हम आए और हमारी हाजिरी के अंदर ये बाहर निकल रहे हैं और हम सांप को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और सांप के पकड़ने के पहला हमें सब गाय बाहर निकालनी पड़ेगी क्योंकि गाय को काट सकता है, इसीलिए ये लोगों ने हमको फ़ोन किया और हम सुबह सुबह लगभग 7 या 7:30 बजे का टाइम है यहाँ मोटी हिरवाणी के अंदर आ गए हैं और सांप पकड़ने अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले हम सब गाय निकाल कर उस बाजू बांध देंगे, इसके बाद हम सांप का रेस्क्यू करेंगे। धन्यवाद। ओ भाई, सामने गाय छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि सामने गमान के अंदर सांप है, जहाँ ये गाय बांधी थी यहाँ से खोलकर वो भाई बाहर बांध रहा है और यहाँ सांप है। हमने इस गाय पे से वो बाहर निकाली और तबेले के अंदर सांप था और वो सांप इसके अंदर है और अब हम इसको पकड़ने की रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सांप है, तबेले के अंदर हमने इस सांप को पकड़ लिया है। हमने इस सांप का जो नागिन है और भारत का प्रैक्टिकल कोबरा सांप है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ गाय बांधे ली थी सब में, हमने गाय को बाहर निकाल दिया और इस सांप का रेस्क्यू कर लिया है। हमारी पकड़ मजबूत होती है, छूटता नहीं। खेडूत भाई बोल रहे हैं आपके हाथ में से छूट ना जाए, लेकिन ऐसे तो रोज के 8 से 10 सांप आते हैं, कभी हमारे पास छूटता नहीं और छूटेगा तो भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, जरूर पकड़ेंगे। अगर किसी के अब हमने आज सुबह सुबह एक सथवारा भाई के घर के अंदर से लड़की संडा जाने जा रही थी और अंदर सांप को देख गई, हमें सो रहे थे और हमारे पे कॉल आया, हम फटाफट गए वहाँ से सांप पकड़ा संडास में से, इसीलिए हम कहते हैं संडास के दरवाजे अभी शाम और सुबह बंद रखो, खुले मत रखो, वरना हम आखिर दिन के 7 से 8 सांप रेस्क्यू करते हैं। अभी अभी हमने वहाँ से सांप पकड़ कर हमें कॉल मिला, तुरंत हम मोटे हिरवाणी गाँव के अंदर आए हैं और काका के घर से हमने 10 से 15 से 20 दिन पहले भी एक सांप रेस्क्यू किया हुआ था जो चलकर हमारे सामने आया था, हमारी शरण में आया था, हमने इसको पकड़ा क्योंकि इसको पता है कि महमूद भाई मेरी जान बचाएंगे, इसीलिए मेरे सामने आया, वरना आजकल सब सांप को मारने में तुले हुए होते हैं, इसीलिए अगर किसी को काट भी जाता है तो कोई जंतर मंतर या जादूगर में विश्वास करना नहीं, दर्दी को हॉस्पिटल रवाना करना तो इंसान की जान बच सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनको हम डब्बे के अंदर कैद कर रहे हैं।
मानेंगे नहीं तो हम इसको मनाएंगे। हमने इतने दिन को सही सलामत पकड़ लिया है, इसकी जान बचाइए। हमने हमारे जान की परवाह करे बिना ऐसे सांपों को रहसान विशाल से पकड़ कर ये सामने जो तबेला है वहाँ से हमने सांप पकड़ा और इसके सांप को हम जंगल के अंदर जहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं होगा, जहाँ सुन शाम होगा वहाँ जंगल के अंदर इसको हम रिलीज कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। तालुको खेरालो जिलो मेहसाणा मारा खेतर मो हमारे वेला वेला चार नौकवा गया था गायों जोड़े ते हापण थी ते आई जोई एटले अमे भाईने बोलाया ते अमने अत्यारे पकड़ी पाड़ी छे मारा तबेला मो अने अर्धी चार इमने मारी हाजरी मो बहार काढीने हापण पकड़ी छे। धन्यवाद। खूब खूब आभार एमनो। हम इसको अभी 10-15 मिनट के अंदर जंगल के अंदर रिलीज कर देंगे और हमें आपको कोई ज़रूरत हमारे नंबर की हो तो 94-63-7-09 पर कॉल कीजिए और हम सांप पकड़ने आएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी सांप होगा, घर में होगा, घर में होगा, कुएं में होगा, पत्थरों में होगा, तबेले में होगा, कारखाने में होगा, दुकान में होगा, लाठी में होगा, तो भी हम इसको सही सलामत बाहर निकालेंगे और इसकी जान बचाएंगे, उसको जंगल में छोड़ देंगे। क्योंकि सांपों को दुनिया में बचाना पड़ता है और सांपों की जगह पर्यावरण है, जंगल खाता है, वहां हम इसको रिलीज कर देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। हेलो दोस्तों, पहले सब वैसे सांप पकड़ने के लिए बाहर निकाली थी और हमने सांप को पकड़ लिया नागिन को, तो वैसे अब बड़ी में सांप को पूर दिया और वैसे सब अंदर वापस बांध दिए है। हेलो दोस्तों, अभी हमने हिरवाणी से सांप जिसको पकड़ा है इसको हम जंगल विस्तार के अंदर रिलीज करने आए हुए हैं। देखिए हमारे वीडियो अभी भी अंदर फुफाड़े मार रहा है। इस शाम को हमने जंगल के अंदर छोड़ दिया, इसकी जान बचाई है और आपको हमारा काम ही अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।